नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। सेना के 50 RR कैंप के जवान में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ मीर के साथ DDC अध्यक्ष आफताब अहमद ने किया। सद्भावना संकेत के रूप में और आम जनता के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में 50 राष्ट्रीय राइफल्स पंपोर कैंप ने आज जवान में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहां क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का शारीरिक परीक्षण किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं वितरित की गयी। इस अवसर पर चिकित्सा शिविर में सिविल डॉक्टरों के अलावा सैन्य चिकित्सक भी उपस्थित रहे। चिकित्सा शिविर में सिविल अधिकारियों के अलावा सेना के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनकी देखरेख में यह शारीरिक शिविर आयोजित किया गया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के शिविर लगाने का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को शारीरिक देखभाल करना है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों एवं विशेषकर महिलाओं के अलावा बड़ी संख्या में रोगियों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं भी वितरित की गयी। सेना के अथक प्रयासों की स्थानीय लोगों ने व्यापक सराहना की। स्थानीय लोगों ने सेना के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर लगाना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शिविर का उद्देश्य लोगों तक उनकी वास्तविक चिकित्सा समस्याओं को कम करने के लिए लोगों के मन में विश्वास और अपनेपन की भावना पैदा करना है और आवाम और सेना के बीच आपसी विश्वास और कोड निर्भरता का निर्माण करना है। मेडिकल कैंप जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये सद्भावना प्रोजेक्ट जो आर्मी करती है, जिससे यहाँ पे आवाम से हम मिल पाते हैं, उसके तहत ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, ताकि मैक्सिमम जो लोअर स्टेटा गरीब लोग जो हैं उनको हम मैक्सिमम दवाई दे पाएँ, है ना, मैक्सिमम उनकी जो तकलीफ हम समझ पाए एंड उसके हिसाब से दवाई दे पाएँ। तो सब किस तरह के मरीजों को आपने यहाँ पे ज़्यादा देखा है? यहाँ पे जो मरीज हैं वो हर एज के आ रहे हैं, तो अलग अलग एज की अलग अलग बीमारियाँ रहती हैं। जो थोड़े से एजेड हैं उनकी बीपी की बीमारियाँ, शुगर की बीमारी, है ना, प्लस जो सर्दी जुखाम वाली बीमारियाँ भी चल रही हैं, वो बीमारी के पेशेंट आ रहे हैं, प्लस जो बच्चे हैं, है ना, बच्चों का भी कुछ सर्दी जुखाम बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, और ज़्यादा जैसे मैदे की दिक्कत हो जाती है उनकी दवाइयाँ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कर पाएँ उतना हम कर पाएँ। R9 भारत के लिए मलिक निसार की रिपोर्ट। जिला विकास आयुक्त शोपियां सचिन कुमार वैश ने आज कीगाम और उसके आसपास के गांवों का दौरा किया और विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा चल रहे विकास कार्यों की गति का जायजा लिया। उन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने निर्देशित किया कि कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। केंद्र टुकुरा और रोगियों तथा परिचारकों के साथ भी बातचीत की और उनसे स्वास्थ्य केंद्र के रोगियों का प्रदान किए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य कर्मियों को अत्यधिक और अतिरिक्त जोश के साथ काम करने के लिए कहा। DDC ने के वातों की मुख्य सड़क के मैग्नेटाइजेशन कार्य का भी निरीक्षण किया और संबंधित कार्यकारिणी एजेंसियों को मैग्नेटाइजेशन कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। DDC ने कई जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और जिन्होंने अपने गांव के विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों को उनके सामने रखा, जिसमें पोर्टेबल पेयजल सुविधा, बिजली, सड़क संपर्क, जल निकासी व्यवस्था, सौर रोशनी आदि का सही समय पर निवारण करने का निर्देश दिया। सचिन ने BDO शोपिया को खेल मैदान के चारों ओर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया या फूलों की क्यारी और अन्य खेल के मैदानों की बाड़ भी। सचिन ने स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ उनके घरों के रास्ते में भी बातचीत की और उनसे पूछा कि वे अपनी पढ़ाई कैसे करें। उन्हें अपने भविष्य को चमकाने के लिए अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह दी। इस दौरान DDC के साथ तहसीलदार शोपिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी शोपिया एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट शोपिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।